हेलो स्टूडेंट्स दिस इज श्वेता योर बायोलॉजी टीचर वेलकम टू दिस ऑनलाइन पाठशाला ऑफ बायोलॉजी स्टूडेंट्स इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू टेल यू रिगार्डिंग चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन एज इट्स नेम इंडिकेटिंग हेयर इज मिनरल न्यूट्रिशन या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वेदर इट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम वेदर प्लांट्स एंड आस एनिमल्स सभी की कुछ बेसिक नीड्स होती हैं सभी की बेसिक नीड्स जो होती हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं वो इक्वल नहीं ऑलमोस्ट uh, एक जैसी होती हैं सभी को मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है सभी को मैक्रो मॉलिक्यूल्स मैक्रो मतलब ज़्यादा बड़े मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है मैक्रो macro मॉलिक्यूल्स मतलब की एग्जाम्पल भी हमारे बुक में दिए हुए हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स फैट्स वाटर मिनरल्स इन सारी मैक्रो मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इसीलिए चैप्टर का नाम है मिनरल न्यूट्रिशन 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 की ज़रूरत होती है लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए सर्वाइवल के लिए ज़िंदा रहने के लिए चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो ऑर्गेनिज्म हो इसके साथ साथ न्यूट्रिशन से ग्रोथ और डेवलपमेंट भी होता है यहाँ पे दिए हुए हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स दिए हुए कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन्स जो हैं आप सबको पता है बिल्डिंग अप का, का काम करते हैं मसल्स को बिल्ड अप करते हैं फैट स्टोरिंग का, का काम करते हैं वाटर मिनरल्स हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती हैं उनको परफॉर्म करने का काम करते हैं अलोंग इट ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ग्रोथ बॉडी की ग्रोथ में बॉडी के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं इसके साथ साथ ये चैप्टर फोकस करता है कि जो मिनरल न्यूट्रिशन है इसकी कमी से कौन कौन से जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी प्लांट्स को ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत होती है अगर अगर प्लांट के अंदर इन न्यूट्री न्यूट्रिशन की इन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन कौन सी डिजीज़ होंगी और उनके सिम्टम्स क्या क्या होंगे इसके अलावा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे राइट उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेथड्स टू स्टडी मिनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स प्लांट्स की जो मिनरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको कैसे स्टडी किया जाता है उनको स्टडी करने का कौन सा मेथड है स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो इम्पोर्टेंट टर्म है हाइड्रोपोनिक्स हमको ये पढ़ना है हमको ये क्लियर होना ज़रूरी है तो 18 uh, 1860s में एक बॉटनिस्ट थे बॉटनिस्ट मतलब कि जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं जिनका नाम था जुलिस वन सैच ये एक बॉटनिस्ट थे इन्होंने स्टडी कर किया uh, कि uh, जो प्लांट्स हैं प्लांट्स सोयल की एब्सेंस में भी ग्रो कर सकते हैं हम सबको पता है कि प्लांट्स सोयल में ही सरवाइव करते हैं सॉइल के बिना प्लांट सरवाइव नहीं कर सकते प्लांट का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है लेकिन इस बॉटनिस्ट ने एक स्टडी की उसके अकॉर्डिंग इसने बताया कि प्लांट को सॉयल की नीड ही नहीं है प्लांट बिना सॉयल के भी सरवाइव कर सकते हैं उनको ज़रूरत होती है एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन की और इस प्रोसेस को बोला जाता है हाइड्रो पॉनिक्स राइट आई एम रिपीटिंग अगेन द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन न्यूट्रिय सोल्यूशन इज नोन एज हाइड्रोपोनिक्स इन दिस टेक्निक सोयल इज नॉट यूज अलॉन्ग विद इट इस टेक्निक के अंदर जो वाटर यूज हो रहा है वो वॉटर प्योरीफाइड यूज़ हो रहा है बिल्कुल प्योर वाटर यूज हो रहा है साथ साथ मिनरल न्यूट्रिय यूज हो रहे हैं राइट चैप्टर का नाम है मिनरल न्यूट्रीशन ठीक है तो मिनरल न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं अलोंग विद वाटर तो देखिए एक एक जनरल सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ दो फ्रेंड्स हैं जिनका नाम है सोनी और मोनी सोनी और मोनी जो हैं दोनों ये कहती हैं कि हम एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं हम एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हमें एक दूसरे के साथ रहना है तो व्हाट वी विल डू हम क्या करेंगे इस चीज़ का पता लगाने के लिए कि ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं या नहीं है हम इनको सेपरेट कर देंगे बायफर्केट कर देंगे हम इनको अलग अलग घरों में या फिर अलग अलग रूम्स में रखेंगे राइट right. अलग अलग रूम्स में रखने के बाद दो दिन बाद तीन दिन बाद देखा गया कि जो सोनी है वो अपनी मूवीज़ देखने में बिज़ी है अपने लैपटॉप पे सोशल मीडिया में बिज़ी है और जो मोनी है वो खाने पीने में बिज़ी है इन दोनों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि सोनी की लाइफ में क्या हो रहा है मोनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मोनी को, सोनी की लाइफ में क्या हो रहा है उससे मोनी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो क्या क्या प्रूव हुआ यहाँ पे यहाँ पे प्रूव हुआ कि सोनी और मोनी दोनों एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हैं दोनों एक दूसरे के लिए असेंशियल नहीं हैं ये जो कह रही थी कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं दीज आर नॉट बेस्ट फ्रेंड्स राइट अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ये स्टोरी किस लिए बताई है स्टूडेंट्स आपको स्टोरी बताने का रीज़न है हमारा मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स राइट यहाँ पे हम बहुत सारे मिनरल न्यूट्रिशंस को पढ़ेंगे प्लांट के अंदर राइट right? प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल न्यूट्रिशंस हैं लेकिन हमको ये पता लगाना है कि कौन कौन से मिनरल न्यूट्रिशंस जो हैं मिनरल्स जो हैं वो प्लांट के लिए इम्पोर्टेंट हैं कौन कौन से मिनरल्स की प्लांट को ज़रूरत है तो उसको करने के लिए क्या करना होगा उसको करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिस एक्सपेरिमेंट्स के अकॉर्डिंग प्लांट को जो है न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में इमर्स्ट किया गया उसके बाद जो न्यूट्रिशंस थे न्यूट्रिशंस अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में टर्न वाइज उसके अंदर ऐड किए गए तो उससे ये पता चला कि कौन से न्यूट्रिशन से प्लांट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है लाइक like जैसे कार्बन है एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ कि एक प्लांट है एक प्लांट ये सॉल्यूशन के अंदर है सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर कार्बन डाला गया राइट right? तो कार्बन डालने से क्या होगा कार्बन इज असेंशियल फॉर प्लांट्स हमको पता भी है बट यहाँ पे सिर्फ हम एक एग्जांपल ले रहे हैं तो प्लांट की जो लीव्स हैं वो ग्रीन रही पूरा का पूरा प्लांट हरा भरा रहा बट अगर इस सॉल्यूशन के अंदर से कार्बन को हटा दिया गया तो क्या फ़र्क आया इस सॉल्यूशन के अंदर से अगर कार्बन को हटा दिया गया तो प्लांट्स की जो लीफ है ये लीफ पेल होना शुरू हो गई पीली होनी शुरू हो गई राइट तो हमें पता चल गया कि जो कार्बन है ये प्लांट के लिए असेंशियल एलिमेंट है जरूरी एलिमेंट है क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो प्लांट को बीमारी हो जाएगी उसकी पत्तियां पीली होनी शुरू हो जाएंगी और अगर पत्तियां पीली होनी शुरू हो जाएंगी तो उनका कोई बेनिफिट नहीं होगा राइट आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे एक जो है एक्सपेरिमेंट किया हुआ है साइंटिस्ट ने यहाँ पे इसका डायग्रामेटिक व्यू ही हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे जो सोल्यूशन कल्चर है उसका सेटअप दिखाया हुआ है जो अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पे एक प्लांट दिखाया हुआ है एक प्लांट जो है मिनरल सॉल्यूशन के अंदर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर ग्रो कर रहा है और यहाँ से ये फनल से इसको न्यूट्रिएंट्स दिए गए हैं इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस प्लांट को एरिएशन देना ज़रूरी है एरिएशन मतलब एक एयर देनी प्लांट को जरूरी है और वो एयर इस मशीन के थ्रू दी जा रही है जिसको एरिएटिंग ट्यूब बोल रहे हैं और इस पूरी की पूरी टेक्निक को बोला जा रहा है हाइड्रोपोनिक्स जो कि आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है राइट यहाँ पे एक और दूसरा देखिए यहाँ पे आपको फिगर दिखाया हुआ है इस फिगर में बहुत सारे प्लांट्स हैं ये एक ग्रो कर रहे हैं और यहाँ पे एक साइड में पाइप लगा हुआ है जो इनको मिनरल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है और ये स्ट्रेट नहीं है थोड़ा सा यहाँ पर टिल्टिंग होगी ताकि जो मिनरल है धीरे धीरे इन सारे के सारे प्लांट्स को मिलता रहे और यहाँ पे देखिए एक पंप लगा हुआ है राइट ये टेक्निक है प्लांट को बिना सॉयल के मिनरल न्यूट्रिशन से ग्रो करवाने की राइट right? यहाँ पे जो एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स दे रखे हैं कि प्लांट के लिए जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं बहुत जरूरी एलिमेंट है लगभग 105 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया गया है बट उसमें से 60 एलिमेंट्स जो हैं वो प्लांट्स के लिए एसेंशियल हैं बहुत ज़रूरी हैं स्टूडेंट्स जो प्लांट्स हैं प्लांट्स अपने चारों तरफ जो भी चीज़ें होती हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं Uh, आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी यूके लिप्टिस आप सभी ने सुन रखा होगा जिसको सफ़ेदे का पेड़ भी बोलते हैं और लाइक मशरूम आप सब ने सुन रखा होगा तो ये इस तरह के प्लांट्स हैं जो गोल्ड को भी एब्जॉर्ब कर लेते होंगे आप सोच रहे होंगे कि प्लांट्स के पास अब हमको गोल्ड मिलेगा गोल्ड मतलब बड़ी माइन्यूट सी क्वांटिटी में मतलब अगर इनके पास सेलिनियम है जो भी न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के पास पड़े होंगे उनको प्लांट रूट हेयर के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेता है राइट अब यहाँ पे एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है क्राइटेरिया दिया हुआ है असेंशियलिटी का कि प्लांट्स के लिए कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में असेंशियल है उसका क्या क्राइटेरिया है तो जो सबसे पहली चीज़ है जो एलिमेंट्स हैं एलिमेंट्स जो हैं वो प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी हैं एब्सल्यूटली नेसेसरी हैं मिनरल न्यूट्रिशन मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर क्या आ रहा है मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर आ रहे हैं एलिमेंट्स तो जो ये एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट्स प्लांट्स की एप्सल्यूट नेसेसरी है एप्सोल्यूट नेसेसरी लाइक जैसे हम uh, हम ह्यूमन बींग हैं हम ह्यूमन बींग की जो एप्सल्यूट नेसेसिटी है वो क्या है वो है सांस लेना राइट right? अगर हम सांस ले रहे हैं तो हम सर्वाइव कर रहे हैं हम जिंदा हैं अगर हम सांस नहीं ले रहे हैं तो इट मीन्स वी आर वॉट वी आर डेड ओके तो वैसे ही प्लांट की ये जो एलिमेंट्स हैं ये एब्सोल्यूट नेसेसरी हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए रिप्रोडक्शन के लिए ये ज़रूरी हैं अगर ये नहीं होंगे तो प्लांट का लाइफ साइकिल नहीं चल सकता प्लांट डेड हो जाएगा राइट right? दूसरी चीज़ जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो ये एलिमेंट्स हैं इनकी प्लांट को स्पेसिफिक अमाउंट में ज़रूरत होती है स्पेसिफिक मतलब अगर किसी को टेन एम जी की जरूरत होती है तो उसको हंड्रेड एम जी नहीं दे सकते हैं राइट तो जितनी क्वांटिटी में जरूरत है उतनी ही क्वांटिटी दी जाएगी ना कम ना ज्यादा क्योंकि अगर कोई चीज़ कम हम दे रहे हैं तो हो सकता है डिजीज हो जाए लेकिन जो ज्यादा क्वांटिटी है वो जहर का काम करती है आपने कहावत भी सुन रखी होगी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड तो अगर कोई चीज़ प्लांट को ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल रहा है तो वो जहर का काम कर रहा है और एक और चीज़ जो जितने भी ये एलिमेंट्स हैं ये रिप्लेसेबल नहीं है रिप्लेसेबल uh, मैं आपको आपकी डेली लाइफ से कनेक्ट करती हूँ आपकी मम्मी है आई थिंक आपकी मम्मी आपको सबसे ज़्यादा लविंग होंगी राइट तो ऐसा तो नहीं है जो आपके पड़ोस वाली आंटी हैं वो आपको आपकी मदर का प्यार दे देंगी हो सकता है ऐसा आई थिंक नो राइट तो मदर रिप्लेसिबल नहीं है आपकी लाइफ में आपके ब्रदर सिस्टर आपकी लाइफ में रिप्लेसेबल नहीं है हमारे लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते तो वैसे ही प्लांट के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता उनका वही प्लेस है उनके बिना प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और उनकी ज़रूरत भी प्लांट को स्पेसिफ़िक अमाउंट में है स्पेसिफिक अमाउंट में लाइक like, जैसे मैं आपको कहूँ कि अगर आपको भूख लग रही है तो आप क्या खाओगे हो सकता है आपको चपाती मिल जाए तो आप चपाती खा लोगे राइट आपको अगर बर्गर मिल जाए तो आप बर्गर भी बड़े शौक़ से खा लोगे ठीक है लेकिन अगर आपको प्यास लगी हुई है तो अगर आप, आपको कोल्ड ड्रिंक मिल जाए आपको जूस मिल जाए आप हो सकता है कि वो प्यास आपको थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए पानी की प्यास लेकिन अल्टीमेटली थोड़ी देर बाद आप रो दोगे पानी पानी ही है वो स्पेसिफिक है वो इिप्लेसेबल है राइट right? तो वैसे ही प्लांट के लिए ये एलिमेंट्स हैं तीसरी चीज एलिमेंट्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में मेटाबॉलिज्म आप समझते हो मेटाबॉलिज्म केटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का कॉम्बिनेशन होता है एनाबॉलिज्म का मतलब होता है फॉर्मेशन रिएक्शंस एंड केटाबॉलिजम का मतलब होता है ब्रेकडाउन रिएक्शंस तो ये एलिमेंट्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं और जो एलिमेंट्स हैं ग्रोथ की और मेटाबॉलिज्म के बेसिस पे इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है वन इज़ मैक्रो न्यूट्रियट्स एंड सेकेंड वन इज़ माइक्रो न्यूट्रीनस माइक्रो का मतलब होता है ज़्यादा मोर तो ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी प्लांट्स को ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत होती है माइक्रो माइक्रो का मतलब होता है लेस ये वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी प्लांट को कम अमाउंट में ज़रूरत होती है स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में बस इतना ही मैं आपको समझाऊँगी मा माइक्रो न्यूट्रियट्स और माइक्रो न्यूट्रींट्स की जो डिटेल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अगर आपको यहाँ तक का टॉपिक स्टूडेंट्स क्लियर हो गया हो तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर हिट कर दीजिए लाइक like के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करिए हेलो स्टूडेंट्स दिस इज़ श्वेता योर बायोलॉजी टीचर वेलकम टू दिस ऑनलाइन पाठशाला ऑफ बायोलॉजी स्टूडेंट्स इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू टेल यू रिगार्डिंग चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन एज इट्स नेम इंडिकेटिंग हेयर इज मिनरल न्यूट्रिशन या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वेदर इट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेदर प्लांट्स एंड आस एनिमल्स सभी की कुछ बेसिक नीड्स होती हैं सभी की बेसिक नीड्स जो होती हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं वो इक्वल नहीं ऑलमोस्ट uh, एक जैसी होती हैं सभी को मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है सभी को मैक्रो मॉलिक्यूल्स मैक्रो मतलब ज़्यादा बड़े मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है मैक्रो मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल भी हमारे बुक में दिए हुए हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स फैट्स वाटर मिनरल्स इन सारे मिक्रो मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इसीलिए चैप्टर का नाम है मिनरल न्यूट्रीशन 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 की ज़रूरत होती है लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए सर्वाइवल के लिए ज़िंदा रहने के लिए चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो ऑर्गेनिज्म हो इसके साथ साथ न्यूट्रिशन से ग्रोथ और डेवलपमेंट भी होता है यहाँ पे दिए हुए हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स दिए हुए हैं कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन्स जो हैं आप सबको पता है बिल्डिंग अप का, का काम करते हैं मसल्स को बिल्डअप करते हैं फैट स्टोरिंग का, का काम करते हैं वाटर मिनरल्स हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती हैं उनको परफॉर्म करने का काम करते हैं अलोंग इट ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ग्रोथ बॉडी की ग्रोथ में बॉडी के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं इसके साथ साथ ये चैप्टर फोकस करता है आ, कि जो मिनरल न्यूट्रिशन है इसकी कमी से कौन कौन से जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी प्लांट्स को ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत होती है अगर अगर प्लांट के अंदर इन न्यूट्रिशन की इन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन कौन से डिजीज़ होंगी और उनके सिम्टम्स क्या क्या होंगे इसके अलावा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे राइट उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैथड्स टू स्टडी मिनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स प्लांट्स की जो मिनरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको कैसे स्टडी किया जाता है उनको स्टडी करने का कौन सा मेथड है स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो इम्पोर्टेंट टर्म है हाइड्रोपोनिक्स हमको ये पढ़ना है हमको ये क्लियर होना ज़रूरी है तो एटीन एटीन सिक्सटीज़ में एक बॉटनिस्ट थे बॉटनिस्ट मतलब कि जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं जिनका नाम था जुलिस वॉन सेच ये एक बॉटनिस्ट थे इन्होंने स्टडी कर किया uh, कि uh, जो प्लांट्स हैं प्लांट्स सॉइल की एब्सेंस में भी ग्रो कर सकते हैं हम सबको पता है कि प्लांट्स सॉयल में ही सरवाइव करते हैं सॉयल के बिना प्लांट सरवाइव नहीं कर सकते प्लांट का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है लेकिन इस बॉटनिस्ट ने एक स्टडी की उसके अकॉर्डिंग इसने बताया कि प्लांट को सॉयल की नीड ही नहीं है प्लांट बिना सॉयल के भी सरवाइव कर सकते हैं उनको ज़रूरत होती है एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन की और इस प्रोसेस को बोला जाता है हाइड्रो

तो मिनरल न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं अलोंग विद वाटर तो देखिए एक एक जनरल सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ दो फ्रेंड्स हैं जिनका नाम है सोनी और मोनी सोनी और मोनी जो हैं दोनों ये कहती हैं कि हम एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं हम एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हमें एक दूसरे के साथ रहना है तो व्हाट वी विल डू हम क्या करेंगे इस चीज़ का पता लगाने के लिए कि ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं या नहीं है हम इनको सेपरेट कर देंगे बायफर्केट कर देंगे हम इनको अलग अलग घरों में या फिर अलग अलग रूम्स में रखेंगे राइट right. अलग अलग रूम्स में रखने के बाद दो दिन बाद तीन दिन बाद देखा गया कि जो सोनी है वो अपनी मूवीज़ देखने में बिज़ी है अपने लैपटॉप पे सोशल मीडिया में बिज़ी है और जो मोनी है वो खाने पीने में बिज़ी है इन दोनों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि सोनी की लाइफ में क्या हो रहा है मोनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मोनी को सोनी की लाइफ में क्या हो रहा है उससे मोनी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो क्या क्या प्रूव हुआ यहाँ पे यहाँ पे प्रूव हुआ कि सोनी और मोनी दोनों एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हैं दोनों एक दूसरे के लिए असेंशियल नहीं हैं ये जो कह रही थी कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं दीज आर नॉट बेस्ट फ्रेंड्स राइट अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ये स्टोरी किस लिए बताई है स्टूडेंट्स आपको स्टोरी बताने का रीजन है हमारा मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स राइट यहाँ पे हम बहुत सारे मिनरल न्यूट्रिशंस को पढ़ेंगे प्लांट के अंदर राइट right? प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल न्यूट्रिशंस हैं लेकिन हमको ये पता लगाना है कि कौन कौन से मिनरल न्यूट्रिशंस जो हैं मिनरल्स जो हैं वो प्लांट के लिए इम्पोर्टेंट हैं कौन कौन से मिनरल्स की प्लांट को ज़रूरत है तो उसको करने के लिए क्या करना होगा उसको करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिस एक्सपेरिमेंट्स के अकॉर्डिंग प्लांट को जो है न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में इमर्स्ड किया गया उसके बाद जो न्यूट्रिशंस थे न्यूट्रिशंस अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में टर्न वाइज उसके अंदर ऐड किए गए तो उससे ये पता चला कि कौन से न्यूट्रिशंस से प्लांट के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है लाइक like जैसे कार्बन है एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ कि एक प्लांट है एक प्लांट ये सॉल्यूशन के अंदर है सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर कार्बन डाला गया राइट right? तो कार्बन डालने से क्या होगा कार्बन इज असेंशियल फॉर प्लांट्स हमको पता भी है बट यहाँ पे सिर्फ हम एक एग्जांपल ले रहे हैं तो प्लांट की जो लीव्स हैं वो ग्रीन रही पूरा का पूरा प्लांट हरा भरा रहा बट अगर इस सॉल्यूशन के अंदर से कार्बन को हटा दिया गया तो क्या फ़र्क आया इस सॉल्यूशन के अंदर से अगर कार्बन को हटा दिया गया तो प्लांट्स की जो लीफ है ये लीफ पेल होना शुरू हो गई पीली होनी शुरू हो गई राइट तो हमें पता चल गया कि जो कार्बन है ये प्लांट के लिए असेंशियल एलिमेंट है जरूरी एलिमेंट है क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो प्लांट को बीमारी हो जाएगी उसकी पत्तियां पीली होनी शुरू हो जाएंगी और अगर पत्तियां पीली होनी शुरू हो जाएंगी तो उनका कोई बेनिफिट नहीं होगा राइट आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे एक जो है एक्सपेरिमेंट किया हुआ है साइंटिस्ट ने यहाँ पे इसका डायग्रामेटिक व्यू ही हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे जो सोल्यूशन कल्चर है उसका सेटअप दिखाया हुआ है जो अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पे एक प्लांट दिखाया हुआ है एक प्लांट जो है मिनरल सॉल्यूशन के अंदर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर ग्रो कर रहा है और यहाँ से ये फनल से इसको न्यूट्रिएंट्स दिए गए हैं इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस प्लांट को एरिएशन देना जरूरी है एरिएशन मतलब एक एयर देनी प्लांट को जरूरी है और वो एयर इस मशीन के थ्रू दी जा रही है जिसको एरिएटिंग ट्यूब बोल रहे हैं और इस पूरी की पूरी टेक्निक को बोला जा रहा है हाइड्रोपोनिक्स जो कि आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है राइट यहाँ पे एक और दूसरा देखिए यहाँ पे आपको फिगर दिखाया हुआ है फिगर में बहुत सारे प्लांट्स हैं ये एक ग्रो कर रहे हैं और यहाँ पे एक साइड में पाइप लगा हुआ है जो इनको मिनरल न्यूट्रीशन प्रोवाइड कर रहा है और ये स्ट्रेट नहीं है थोड़ा सा यहाँ पर टिल्टिंग होगी ताकि जो मिनरल है धीरे धीरे इन सारे के सारे प्लांट्स को मिलता रहे और यहाँ पे देखिए एक पंप लगा हुआ है राइट ये टेक्निक है प्लांट को बिना सॉयल के मिनरल न्यूट्रिशन से ग्रो करवाने की राइट right? यहाँ पे जो एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स दे रखे हैं कि प्लांट के लिए जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं बहुत ज़रूरी एलिमेंट है लगभग 105 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया गया है बट उसमें से 60 एलिमेंट्स जो हैं वो प्लांट्स के लिए एसेंशियल हैं बहुत ज़रूरी हैं स्टूडेंट्स जो प्लांट्स हैं प्लांट्स अपने चारों तरफ जो भी चीज़ें होती हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी यूकेलेिप्ट आप सभी ने सुन रखा होगा जिसको सफ़ेदे का पेड़ भी बोलते हैं और लाइक मशरूम आप सब ने सुन रखा होगा तो ये इस तरह के प्लांट्स हैं जो गोल्ड को भी एब्जॉर्ब कर लेते होंगे आप सोच रहे होंगे कि प्लांट्स के पास अब हमको गोल्ड मिलेगा गोल्ड मतलब बड़ी माइन्यूट सी क्वांटिटी में मतलब अगर इनके पास सिलीनियम है जो भी न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के पास पड़े होंगे उनको प्लांट रूट हेयर के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेता है राइट अब यहाँ पे एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है क्राइटेरिया दिया हुआ है असेंशियलिटी का कि प्लांट्स के लिए कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में असेंशियल है उसका क्या क्राइटेरिया है तो जो सबसे पहली चीज़ है जो एलिमेंट्स हैं एलिमेंट्स जो हैं वो प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी हैं एब्सल्यूटली नेसेसरी हैं मिनरल न्यूट्रिशन मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर क्या आ रहा है मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर आ रहे हैं एलिमेंट्स तो जो ये एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट्स प्लांट्स की एप्सल्यूट नेसेसरी है एप्सल्यूट नेसेसरी लाइक जैसे हम uh, हम ह्यूमन बींग हैं हम ह्यूमन बींग की जो एप्सल्यूट नेसेसिटी है वो क्या है वो है सांस लेना राइट right? अगर हम सांस ले रहे हैं तो हम सर्वाइव कर रहे हैं हम जिंदा हैं अगर हम सांस नहीं ले रहे हैं तो इट मीन्स वी आर वट वी आर डेड ओके तो वैसे ही प्लांट की ये जो एलिमेंट्स हैं ये एब्सल्यूट नेसेसरी हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए रिप्रोडक्शन के लिए ये जरूरी हैं अगर ये नहीं होंगे तो प्लांट का लाइफ साइकिल नहीं चल सकता प्लांट डेड हो जाएगा राइट right? दूसरी चीज जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो ये एलिमेंट्स हैं इनकी प्लांट को स्पेसिफिक अमाउंट में जरूरत होती है स्पेसिफिक मतलब अगर किसी को टेन एम जी की जरूरत होती है तो उसको हंड्रेड एम जी नहीं दे सकते हैं राइट तो जितनी क्वांटिटी में ज़रूरत है उतनी ही क्वांटिटी दी जाएगी ना कम ना ज्यादा क्योंकि अगर कोई चीज़ कम हम दे रहे हैं तो हो सकता है डिजीज़ हो जाए लेकिन जो ज़्यादा क्वांटिटी है वो जहर का काम करती है आपने कहावत भी सुन रखी होगी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड तो अगर कोई चीज़ प्लांट को ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल रहा है तो वो जहर का काम कर रहा है और एक और चीज़ जो जितने भी ये एलिमेंट्स हैं ये रिप्लेसेबल नहीं है रिप्लेसेबल uh, मैं आपको आपकी डेली लाइफ से कनेक्ट करती हूँ आपकी मम्मी है आई थिंक आपकी मम्मी आपको सबसे ज़्यादा लविंग होगी राइट right? तो ऐसा तो नहीं है जो आपके पड़ोस वाली आंटी हैं वो आपको आपकी मदर का प्यार दे देंगी हो सकता है ऐसा आई थिंक नो राइट तो मदर रिप्लेसेबल नहीं है आपकी लाइफ में आपके ब्रदर सिस्टर आपकी लाइफ में रिप्लेसेबल नहीं है हमारे लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते तो वैसे ही प्लांट के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता उनका वही प्लेस है उनके बिना प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और उनकी ज़रूरत भी प्लांट को स्पेसिफिक अमाउंट में है स्पेसिफिक अमाउंट में लाइक like, um, जैसे मैं आपको कहूँ कि आ, अगर आपको भूख लग रही है तो आप क्या खाओगे हो सकता है आपको चपाती मिल जाए तो आप चपाती खा लोगे राइट right? आपको अगर आ, बर्गर मिल जाए तो आप बर्गर भी बड़े शौक से खा लोगे ठीक है लेकिन अगर आपको प्यास लगी हुई है तो अगर आप, आपको कोल्ड ड्रिंक मिल जाए आपको जूस मिल जाए तो आप हो सकता है कि वो प्यास आपको थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए पानी की प्यास लेकिन अल्टीमेटली थोड़ी देर बाद आप रो दोगे पानी पानी ही है वो स्पेसिफिक है वो इिप्लेसिबल है राइट right? तो वैसे ही प्लांट के लिए ये एलिमेंट्स हैं तीसरी चीज़ एलिमेंट्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में मेटाबॉलिज्म आप समझते हो मेटाबॉलिज्म केटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का कॉम्बिनेशन होता है एनाबॉलिज्म का मतलब होता है फॉर्मेशन रिएक्शंस एंड केटाबॉलिज़म का मतलब होता है ब्रेकडाउन रिएक्शंस तो ये एलिमेंट्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं और जो एलिमेंट्स हैं ग्रोथ की और मेटाबॉलिज्म के बेसिस पे इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है वन इज़ मैक्रो न्यूट्रियट्स एंड सेकेंड वन इज माइक्रो न्यूट्रियस मैक्रो का मतलब होता है ज़्यादा मोर तो ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी प्लांट्स को ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत होती है माइक्रो माइक्रो का मतलब होता है लेस ये वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी प्लांट को कम अमाउंट में ज़रूरत होती है स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में बस इतना ही मैं आपको समझाऊंगी मा माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रियट्स की जो डिटेल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अगर आपको यहाँ तक का टॉपिक स्टूडेंट्स क्लियर हो गया हो तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर हिट कर दीजिए लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करिए